हेलो एंड वेलकम एवरीवन, ऑनलाइन तैयारी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं नीलाक्ष सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं 28 मई के चुनिंदा करंट अफेयर्स पर। तो दोस्तों 28 मई यानी कि आज आपका ये ऑफर खत्म हो रहा है जिसका नाम है नई सरकार नई उम्मीद। तो आपको करना सिर्फ ये है कि GOVT2019 इस कूपन कोड का आपको प्रयोग करना है और बन जाना है तैयारी प्लस का मेंबर। और तैयारी प्लस क्या है, जहां आपको 2000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का मौका मिलेगा। तो क्यों देर कर रहे हैं आप, यहाँ पे पूरे 12 महीने के लिए यानी पूरे 365 दिन के लिए जो है आप इसके मेंबर बन जाइएगा, ठीक है। तो बाय नाउ, क्योंकि अगर आप आज ही खरीदते हैं तो आपको मिलेगा ये सिर्फ 375 में, वरना इसकी कॉस्ट 600 रुपये है। तो दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। ओरछा ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जगह बनाई है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ओरछा टाउन हैज मेड इट टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको वो स्टेट बताना था और जवाब है इसका मध्य प्रदेश। और मैं बता दूं कि 100% आप सभी लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर किया है, किसी ने भी रॉन्ग आंसर नहीं किया। तो हम लोग बात कर रहे थे ओरछा, ओरछा कहाँ है, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आप ओरछा का एक जो है दृश्य देख सकते हैं। और ये जो नदी है, ये नदी है बेतवा। कौन सी नदी है दोस्तों, बेतवा नदी के किनारे ही ये शहर आपका बसा हुआ है। तो खबर क्या है, खबर है कि आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ ओरछा टाउन इन मध्य प्रदेश, ठीक है। ओरछा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, विच डिपिक्स द पिकुलर स्टाइल ऑफ द बुंदेला डिनेस्टी, यानी कि ये जो है बुंदेल वंश ने जो है इस शहर का निर्माण कराया था, ठीक है। तो इसी को, इस शहर को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इसको शामिल कर लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट, ठीक है, यानी कि अस्थाई, जिसपे मैंने क्वेश्चन में जो दिया था कि ये अस्थाई सूची में अभी इसको शामिल किया गया है, ठीक है। ये प्रपोजल किसे भेजा था, तो ये प्रपोजल भेजा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी ASI ने जो है ये कहा था, यूएन बॉडी यानी कि यूनाइटेड नेशन निकाय से कहा था कि इस शहर को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको मान्यता दी जाए। तो ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये प्रपोजल भेजा था यूनेस्को को। कब भेजा था, 15 अप्रैल 2019 को, यानी इसी साल। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, नियम क्या कहते हैं, नियम ये कहते हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए जो है एक नियम है, वो नियम ये है कि पहले उसको किसी भी स्थल को जो है टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना पड़ता है, ठीक है, किसमें, अस्थाई सूची में ही पहले शामिल होना पड़ता है किसी भी स्थल को। इसके बाद का रूल ये है कि फिर जब अनदर प्रपोजल, जब एक और जब प्रपोजल आता है तब उसको जो है स्थाई सूची में, यूनेस्को की स्थाई सूची में जो है इसको मान्यता दे दी जाती है, ठीक है, उस पर विचार करने के बाद में। तो रूल क्या है, पहले टेंटेटिव लिस्ट में ही शामिल किया जाता है। फिलहाल ओरछा, ओरछा आपका जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ है आपका, बेतवा नदी के किनारे। तो फोटो में जो है वो बेतवा नदी है, ये कहाँ है, ये है आपका मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है टीकमगढ़, ठीक है। तो ये टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर हम बात उत्तर प्रदेश से करें जिससे ये सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश का आखिरी में एक जिला आता है, वो है झांसी, झांसी से ये मात्र 15 किलोमीटर दूर है। तो ओरछा का निर्माण किसने कराया, तो वो थे किंग रुद्र प्रताप सिंह, ठीक है, यानी कि रुद्र प्रताप सिंह जो कि बुंदेला वंश के जो है एक राजा हुआ करते थे, एक शासक हुआ करते थे, इन्होंने ही जो है इस नगरी का निर्माण कराया था, ठीक है। कब कराया था, 16वीं शताब्दी में, जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको जरूर ध्यान दीजिएगा, 16वीं शताब्दी में इसका कराया था। ये फेमस है, फेमस क्यों है, क्योंकि इसका जो चतुर्भुज टेम्पल है इसलिए फेमस है, इसका जो फोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी जो इसका किला है ये अपने यूनिक किले के लिए फेमस है, और यहाँ पर जो राजमहल भी है उसके लिए ये फेमस है। फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विश्व के 10 सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वॉज ऑनर्ड इन द 10th मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी कैटेगरी इन द वर्ल्ड। और इसका सही जवाब है आपका आचार्य बालकृष्ण, जी हाँ। क्या नाम है, आचार्य बालकृष्ण, नाम आपको सुना सुना लग रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इनको देखा भी है। तो ये देखिए आचार्य बालकृष्ण, रामदेव जी नहीं, ये जो इनके साथ में खड़े हैं ये हैं आचार्य बालकृष्ण, ठीक है। तो इन्हीं को ये अवार्ड मिला है, अवार्ड लेते हुए यहाँ पर फोटो ये रही। फिलहाल अवार्ड का नाम क्या है, UNSDG 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन अ हेल्थ केयर अवार्ड। UNSDG का फुल फॉर्म क्या है, यानी UN यानी यूनाइटेड नेशन, और SDG यानी आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं। तो देखिए अब ये आचार्य बालकृष्ण हैं कौन, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, ये कंपनी से तो आप वाकिफ हैं, इसके प्रोडक्ट बहुत ही मार्केट में हैं, इसके ये MD हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर यही हैं बालकृष्ण, ठीक है। तो आचार्य बालकृष्ण इनको जो है ये अवार्ड मिला है, कहाँ मिला है, जिनेवा में मिला है। जिनेवा कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ये आपकी 25 मई की बात है। फिलहाल पतंजलि आयुर्वेद इज अ कंपनी प्रोड्यूसिंग रेंज आयुर्वेदिक मेडिकल
एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। तो ये पतंजलि आयुर्वेद जो ये कंपनी है ये क्या करती है, ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो कि थोड़े बहुत आयुर्वेदिक होते हैं, ठीक है। ये आयुर्वेदिक जो होते हैं ये आयुर्वेदिक चिकित्सक के तौर पे जो है इनका काम लिया जाता है। इसके अलावा पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी ये बनाते हैं जिनका आप डेली में जो है यूज़ करते हैं, तो ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी बनाते हैं एमंग अदर कंज्यूमर आइटम। और जो है उपभोक्ता के लिहाज से कुछ और भी आइटम ये लोग बनाते हैं। फिलहाल पॉपुलर योगा गुरु बता दें जो फेमस है आपके, ये बाबा रामदेव जी, ठीक है। ये बहुत ही बड़े योग गुरु हैं बाबा रामदेव, ये को फाउंडर हैं इन द कंपनी, ये कंपनी के जो है को फाउंडर हैं, ठीक है। तो ये जो है बालकृष्ण के साथ में इन दोनों ने मिलकर ही जो है पतंजलि की स्थापना की थी। तो आचार्य बालकृष्ण जी के बारे में फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण इज एन इंडियन बिलेनियर, ठीक है, यानी कि ये जो है आपके बिलेनियर हैं, यानी अरबपति हैं दोस्तों, ठीक है। क्या है, अरबपति हैं, जी हाँ। फिलहाल इनके लुक पे मत जाइए, ये अरबपति हैं। और ये खास बात ये है कि नेपाल ओरिजिन, यानी कि नेपाल के हैं, ठीक है। तो ये मूल है इनका नेपाल का, लेकिन है ये इंडियन, केवल इनका मूल नेपाल का है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है चेयरमैन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स कंपनी, यही पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के ये चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बढ़ेंगे अगली खबर पर। G20 शिखर सम्मेलन 2019 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? G20 समिट 2019 की हम लोग बात कर रहे हैं, विल बी हेल्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो दोस्तों कहाँ पर किया जाएगा, ऑब्वियस है जापान में। मैंने क्यों कहा कि ऑब्वियस है जापान में किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है चर्चा में रहा था कि जापान जो है फर्स्ट टाइम जो है ये होस्ट करने जा रहा है G20 समिट की। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, G20 की। तो आंसर है हम लोग का ओसाका। ओसाका आपका कहाँ है, जापान में आता है। जब आपसे शहर पूछा जाएगा तो ओसाका बोलना है, देश पूछा जाएगा तो आपको जापान टिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने आपको फोटो दिखाई है वो 2018 की दिखाई है। 2018 में कहाँ हुआ था, अर्जेंटीना में हुआ था। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। तो ये नीचे इसकी राजधानी का नाम लिखा है और ऊपर अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में 2018 में हुआ था। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों हमने आपको मेंबर ऑफ G20 दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनमें 19 देश शामिल हैं और आपका एक यूरोपियन यूनियन भी है। फिलहाल दोस्तों खबर पे चलते हैं जल्दी से। तो G20 फिलहाल यहाँ पे है। अच्छा दोस्तों खबर यहाँ पे है कि द 2019 G20 ओसाका समिट इसको नाम दिया गया है, क्योंकि ओसाका जो है वो शहर है जहाँ पे आयोजन होगा। विल बी द 14th, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है 14वां आपका एडिशन है। ग्रुप ऑफ 20 इसको भी बोला जाता है, ठीक है। तो G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी बोला जाता है। इट विल बी हेड ऑन 28 से 29 जून 2019 को होगा ओसाका, ओसाका आपका विच इज इन जापान। इट विल बी द फर्स्ट टाइम एवर G20 समिट टू बी होस्टेड इन जापान। तो ये भी अपने आप में एक खास बात है कि पहली बार जापान जो है G20 की होस्टिंग करने जा रहा है। G20 इट इज़ एन इंटरनेशनल फोरम, यानी कि ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ठीक है। यहाँ पे फोरम से मतलब हो गया कि एक मंच है ये, फॉर द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, यानी कि जो भी केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स होते हैं और जो सरकारें होती हैं इनके, यही लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें 19 आपके देश शामिल हैं, जबकि एक है वो है यूरोपियन यूनियन। ऐसे हो गए आपके टोटल 20। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसका जो एम बताया गया है वो ये है कि डिस्कस पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उन नीतियों के बारे में दोस्तों चर्चा की जाती है जिनके जरिए प्रमोशन किया जा सके इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय जो भी नीतियाँ होती हैं ना उनकी स्थिरता के बारे में इन पर चर्चा की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दिया हुआ है वो G20 की लिस्ट। बढ़ेंगे अगली खबर पर। विश्व थायराइड दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर। तो दोस्तों कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 25 मई, ठीक है। कब आपका 25 मई को जो है ये मनाया जाता है। तो फिलहाल एवरी ईयर हर साल 25 मई को, जो सर्किल करो उसे जरूर याद रखिएगा, 25 मई को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड थायराइड डे। तो आप इस डिजीज से जो है आप लोग परिचित हैं, थायराइड में क्या होता है, या तो कोई बहुत ज़्यादा पतला होने लगता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा मोटा होने लगता है, ठीक है। तो ये जो है इसलिए मनाया जाता है इस दिन को प्रमोट करने के लिए, इस दिन के बारे में यानी इस डिजीज के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए और उनमें समझ को बढ़ाने के लिए इस बीमारी के प्रति, ठीक है। तो थायराइड से रिलेटेड जो भी जागरूकता है, जो अंडरस्टैंडिंग यानी जो भी समझ है वो लोगों की बढ़ाने के लिए जो है इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। फिलहाल वर्ल्ड थायराइड डे इसकी जो एस्टैब्लिश है इसको कब किया गया था, 2008 में किया गया था, ठीक है। कैसे, एक कंपेन चलाया गया था। ये कंपेन किसने चलाया था, ये देखिए कंपेन चलाया था यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन ने, एंड द सेकंड इज
अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ने, ठीक है, तो ये दो मैंने अंडरलाइन किए हैं, इन्हीं दोनों ने मिलकर एक कंपेन चलाया था, कंपेन का नेतृत्व किया था, ठीक है, और 2008 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। फिलहाल इसको चलाया भी इसलिए गया था ताकि लोगों का जो है फोकस जाए इस सीरियस बीमारी की ओर, ठीक है, और अर्जेंट नीड एन एजुकेशन एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, यानी कि इस बारे में जो है बहुत से प्रोग्राम चलाए गए लोगों की जो है शिक्षा में, शिक्षा के जरिए उन्हें जो है बढ़ाया जाए, इंक्रीज अवेयरनेस, उनकी जागरूकता को जो है बढ़ाया जाए, और न्यू ट्रीटमेंट यानी कि जो है नए नए इसके जो समाधान है ना उसके बारे में लोगों को बतलाया जाए, ठीक है। तो द थायराइड बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, यानी कि दोस्तों ये आपका एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है, ठीक है, कहां होती है, सेंटर ऑफ द नेक। अब आप आइए फोटो पे, तो ये जो आप गर्दन की हड्डी देख रहे हैं, ठीक है, इसके यहाँ पर सेंटर में ये जो आप देख रहे हैं तितली के आकार की जो ग्रंथि है, इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। सेंटर ऑफ द नेक इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द मेटाबोलिज्म। विदाउट ट्रीटमेंट, अगर दोस्तों इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, ठीक है, तो फिर ये जो बीमारी है ना, ये आपका सेवरल कॉम्प्लिकेशन यानी बहुत से तरह की आपको दिक्कतें पैदा कर सकती है आपके लिए। कैसे, यानी इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, और हार्ट डिजीज यानी कि हृदय से संबंधित जो भी रोग होते हैं, तो ये खतरनाक एक डिजीज है। फिलहाल दोस्तों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। रेडियो तरंगों के आधार पर अपने लक्ष्य को भेदने वाली मिसाइल का नाम बताइए, क्योंकि अभी अभी इस मिसाइल के एक नए संस्करण का जो है हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल कुड डिफरेंशिएट देयर टारगेट बेस्ड ऑन द रेडियो वेव हुज न्यू वर्जन वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि वो कौन सी मिसाइल है जिसका अभी हाल ही में उसके एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है, और इसका सही जवाब है आपका आकाश 1S, ठीक है, तो क्या है, आकाश 1S। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आकाश मिसाइल की हमने आपसे बात की, ठीक है। फिलहाल ये परीक्षण किसने किया, एक पॉइंट ये आता है, वो है आपका DRDO ने किया, ठीक है, जो कि आपका सफल परीक्षा था। ये आपका एक नया वर्जन है आकाश का, आकाश तो पहले से ही है लेकिन उसका नया वर्जन है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, यानी कि दोस्तों ये आपका सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इस चीज़ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। नाम है इसका आकाश IS, ठीक है, या फिर 1S। फिलहाल द रेंज ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल, इसकी जो रेंज है वो बताई गई है 25 किलोमीटर, ठीक है। दिस इज ग्राउंड टू एयर मिसाइल, यानी कि जो सतह से हवा में मार करने वाली ये एक मिसाइल है, ठीक। दिस मिसाइल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द आर्मी एज अ लो रेंज किलर मिसाइल, यानी क्योंकि दोस्तों इसकी मैंने आपको कितनी बताई मारक क्षमता, 25 किलोमीटर बताई, इसीलिए इसको आर्मी में जब शामिल किया गया तो इसको लो रेंज मिसाइल के तौर पे शामिल किया गया, यानी कि कम दूरी वाली जो मारक मिसाइलें होती हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो टारगेट बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम विंड टू ग्राउंड, यानी दोस्तों अगर कोई हवा से सतह में अगर कोई मिसाइल आ रही है तो ये उसको जो है ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल को भी जो है ये तबाह कर सकता है, इट कुड। और इसके अलावा दोस्तों ये अपने गोल को जो है रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो वेव्स के जरिए भी जो है ये अपने लक्ष्य को भेद सकता है। फिलहाल बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है, तो ऑन व्हील्स का मतलब यहाँ पे पहिए से ही है, जी हाँ सीधी सी बात है, यानी कि किसी गाड़ी के जरिए जो है बैंक ये चलाने की बात कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इंट्रोड्यूस द बैंक ऑन व्हील्स फैसिलिटी, तो बता दें इसका जो सही जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने ये सुविधा शुरू की है जिसका नाम है बैंक ऑन व्हील्स, यानी कि पहिए पर बैंक। तो ये है इंडियन ओवरसीज बैंक जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पहली खबर पे एक बना जमाते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक जिसको IOB लिखा होता है जगह जगह, 27 मई की ये खबर है, किसने अनाउंस किया है, किसने लॉन्च कर दिया है बैंक ऑन व्हील्स फैसिलिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक फैसिलिटी है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि 14 ऑफ इट्स लीड डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु एंड केरला बिसाइड विजयवाड़ा, यानी विजयवाड़ा के अलावा जो है तमिलनाडु और केरला में जो है टोटल 14 जगहों पर जो है ये सुविधा दी जाएगी। तो द बैंक सेड द मोबाइल वैन फैसिलिटी विल इनेबल द पब्लिक स्पेशली, तो ये क्या कह रहे हैं कि बैंक जो है ये सुविधा देगी पब्लिक को, लेकिन स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को, ठीक है, यानी कि जो लोग वृद्ध होते हैं उनके लिए जो है ये मेनली स्पेशली ये सुविधा है। और ये क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि जो है गेट डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये हर दरवाजे तो दरवाजे पर आएंगे, नहीं, यहाँ पर ये बताया गया है कि ये कुछ चुनिंदा लोकेशन पर यानी आइडेंटिफाइड लोकेशन, ये कुछ चुनिंदा लोकेशन पर जो है इसकी गाड़ी आएगी और बैंकिंग संबंधित जो है वो अपने काम करेगी, ठीक है। तो यानी डोर स्टेप का मतलब डोर टू डोर नहीं है,
कुछ चुनिंदा लोकेशंस पर ही जो है अपनी फैसिलिटी देंगे, ठीक है। और ये सुविधा क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस गाड़ी के अंदर एक माइक्रो एटीएम लगा होगा, आप अकाउंट खोल सकते हैं, पासबुक प्रिंटिंग की भी सुविधा होगी, इसके अलावा एनरोलमेंट ऑफ कस्टमर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम ETC, फिलहाल जो सामाजिक सुरक्षा योजना है उसमें जो है जो कस्टमर्स हैं उनका नामांकन करना जैसी भी इसमें सुविधा होगी, और ETC इसके अलावा कुछ और भी सुविधाएं हैं। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि बैंक ऑन व्हील फैसिलिटी जो है ये आपका इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च की है, जिसके बारे में आपको बता दूं ये एक मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक है। कहां पर? चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है दोस्तों? चेन्नई में, ठीक है, बेस्ड इन चेन्नई, और इसका जो है 3400 डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं दोस्तों, फिलहाल 1150 तो केवल तमिलनाडु में ही है। CEO है इसके आज सुब्रमणिया कुमार, ठीक है। तो बढ़ेंगे अपन लोग अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पर, निम्न में से कौन अरुणाचल प्रदेश के CM के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे? तो हु अमंग द फॉलोइंग विल टेक ओथ एज CM ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर द सेकेंड टर्म? तो दोस्तों इसका जवाब आपको हमें देना है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे कल। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना मत भूलिएगा।